नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। मैं आपके साथ योगेश शर्मा और आज हम मौजूद हैं रायपुर गांव में। यहां जो वार्ड नंबर 27 है, यहां से पार्षद पद के प्रबल दावेदार मुकेश राणा जी आपके खड़े हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ पाए क्योंकि रिजर्व सीट आई, लेकिन पहली सीट पकड़ के चल रहे हैं आगे। और यहाँ रायपुर के गांव वालों ने इनको पूरा समर्थन दिया है, पूरा आशीर्वाद दिया है। यहाँ के लोगों से भी हम बात कर रहे थे, पूर्व पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है और पूर्व सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है। पहले हम बुजुर्गों से बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? रायपुर गांव से रतिराम नंबर। आज आपने ठाकुर साहब को पूरा आशीर्वाद दिया है, पूरा तन मन धन से पूरी तरह से आशीर्वाद, पूरी सपोर्ट है आप? बिल्कुल पूरी सपोर्ट है जी। और क्या कहना चाहोगे, क्या आगे विकास कार्य इनसे करवाना चाहते हो? देखो, हमारा अपना बाल है, क्या विकास कार्य तो करेगा ही करेगा जी। और हमारे नज़दीक भी है यही है। बुजुर्गों की हम पेंशन की बात करें, जैसे कि पेंशन रहेगी बुजुर्गों की पेंशन के बारे में बात है, जो जायज है उनके लिए पेंशन बंधवाएगा और बंधवाता भी रहेगा। अभी समाज सेवी है, आज तक समाज सेवा ही करता आया है बच्चा, तो आपके पूरा आशीर्वाद? बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है जी। हम तो बाबा हैं, वहाँ के आशीर्वाद है। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। हाँ, पूरा आशीर्वाद बाबा। क्या नाम है आपका? बंदन लाल जी। कौन से जगह से? वार्ड नंबर 27 में। यहीं से ही है, रायपुर से। हाँ जी। तो किसको वोट कर रहे हो? ओके, ये डरे जी जो अब राणा साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है जी, हर तरीका से साफ, हर तरीके से, हर तरीका से। भाई मोहन है मेरा नाम। कौन से गांव? रायपुर से भाई। पूरा समर्थन दे दिया आप लोगों ने? हाँ भाई, पूरे समर्थन दे दिया भाई, वोट देंगे, पूरे देंगे जी। और क्या नाम? मेरा नाम हिरा सिंह। आपने आशीर्वाद दिया है आज अपने बेटे को? अपना ही बालक है, आपसे थोड़ा आशीर्वाद, थोड़ा आशीर्वाद है, जीत के आएंगे आपके। हाँ, भगवान कृपा है, बनी रहेगी। बाबूजी एक मिनट, क्या नाम बाबूजी? सुरेश राणा। सुरेश राणा जी, आपके आशीर्वाद दिया है मुकेश राणा? पूरा पूरा आशीर्वाद, तन मन धन लगे हुए आपके, जीता के लाओगे? जिताएंगे। और भी हम मौजूद हैं, पूर्व पार्षद सरपंच हैं, सारे मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं जी। मनोज सरपंच जी। सरपंच साहब, आज मंदिर पे, रायपुर गांव के मंदिर पे पंचायत आयोजन किया है, एक मुकेश राणा जी को पार्षद पद के लिए खड़ा किया है, क्या ऐसा देखा आपने इनके जो आपने पूरा समर्थन किया? देखा क्या जी, पढ़ा लिखा है और राजनीति में रहा भी है काफ़ी दिन से, पिछले 4 साल से मेहनत भी कर रहा है चेयरमैन के लिए, लेकिन जो चेयरमैन जो है SC रिजर्व आ गई, इसलिए वो नगर परिषद का पार्षद का। हाँ हाँ, तो अब वो हमारे पास आए हैं गांव में, सभी पूरी बस्ती के पास, तो सभी ने आशीर्वाद दिया है। हाँ, तो पूरा गांव साथ है, तन मन धन से। तो एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर ये जीत के आते हैं आपके आशीर्वाद से, तो पहला कार्य सबसे पहले क्या करना? गांव में जो है सारे रास्ते खराब हुए पड़े हैं, हम तो भाई साहब से यही कहते हैं कि सबसे पहले जो गांव के रास्ते हैं, और एक हमारी पुरानी मांग चली आ रही है, चलो जो पहले पार्षद कृष्ण पार्षद, उसने तो गांव में आया ही नहीं आज तक, और हमारी एक मांग चली आ रही है, हमारे मंदिर के पीछे कोई 2-2.5 एकड़ ज़मीन पड़ी है, उसमें एक बारात घर के लिए, यानी कि पार्क टाइप में, हम सबसे पहले उसे कराएंगे मुकेश से, अगर जो बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि धार्मिक जगह से ही आपने स्टार्ट किया और उसी के लिए पहला कार्य आप चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी भाई, क्या नाम है? आजाद पाठक। पाठक साहब, आप फेमस भी हो, आपको सभी जानते हैं, ऐसा क्या देखा आपने भी कार्ड ठोक दिए कि हम इनको ही जिता के मानेंगे? देखिए, जहाँ ऐसे प्रांगण में खड़े हैं रायपुर के अंदर मंदिर पे, और धर्म की जगह है, जहाँ इतनी बड़ी सरदारी ने हमारे भाई मुकेश को एक पंचायती रूप में एक विश्वास दिया है, और सब लोग साथ रहेंगे, तो एक एकता से कैंडिडेट कोई भी हो, उसको एक समर्थन तो मिलता ही है, पावर मिलती है उसको। और जो पंचायती कैंडिडेट होता है, वो ऐसा नहीं कि जो है उसको बल मिलता है, हाँ मेरे साथ एक गांव बस्ती जो है लगी हुई है, और बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हर तरह से रहेंगे, और भगवान ने चाहिए तो यहाँ 31 रन में लाएंगे जिताए के। बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही आपने, और आपने एक बात और कही थी, हम खुले में अब हुक्का पकड़ लेंगे, हम माइक तो 22 साल से पकड़ रहे हैं, तुम्हें पता तो है। चलो बहुत बढ़िया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी भोला ठाकुर जी।
हाँ जी, अपूर्व पार्षद हैं, किसी कारणवश आप रह गए थे। हाँ बने ना जी, बने नहीं, हार गए। नहीं नहीं, हारना नहीं कहते उसको, किसी कारणवश रह गए, हार नहीं होता हो। आपने अब की बार इनको समर्थन दिया ठाकुर जी को। हाँ, मुकेश राणा रख दिया जी समर्थन। तो ऐसा क्या देखा आपने, आप नहीं खड़े हुए इनको? हमारे बेचारे सामाजिक उम्मीदवार हैं, पंचायती उम्मीदवार हैं, और हमारे सबसे नजदीक और प्रिय यही है जी, तो इसलिए इनको बनाना चाहते हैं और काबिल भी हैं। चेयरमैन की तैयारी भी कर रहे थे। हाँ, पहले हाँ, की सीट हाँ, लेकिन ये तो मजबूरी में लड़ा रहे हैं इलेक्शन, नहीं तो ये तो बड़ा इलेक्शन की तैयारी थी इनकी तो जी। ये अब रिजर्व सीट आ गई है तो पहली सीढ़ी पार्षदी की होती है, पार्षदी से आपने चालू कराई है। बिल्कुल, और धर्म की जगह पर खड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो यहीं से आपने शुरुआत की है। यहीं मेरी पंचायत हुई थी, यहीं इसकी कराई है। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, हमारा गांव पूरा समर्थित उम्मीदवार को पूरा सपोर्ट करता है। पिछली बार भी एक तरफा रहा था और अब की बार भी एक तरफा ही रहेगा। हाँ, पूरे गांव में बिल्कुल 100% गांव से तो एक तरफा कर कमानी है। आपने विस्तार से सुना, गांव वालों ने कहा, वार्ड नंबर 27 वालों ने भी कहा कि पूरा सपोर्ट है तन मन और धन से। और यहाँ हमारे साथ मुकेश राणा जी मौजूद हैं, जो प्रबल दावेदार हैं वार्ड नंबर 27 के पार्षद पद के। इनसे भी बात कर लेते हैं, किन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किस तरीके से उनका निवारण करेंगे। जी मुकेश राणा जी, स्वागत है आपका। जी देखिए, आज वार्ड नंबर 27 और प्राचीन रायपुर गांव के पवित्र मंदिर पर हम सब इकट्ठे होने का मौका मिला। समस्त में तो रायपुर गांव की सरदारी को और समस्त रायपुर गांव के एक एक युवा को अपील और निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से रायपुर गांव के बुजुर्गों ने इस बेटे को आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही मैं युवा साथियों का भी साथ चाहता हूँ। कोई भी युवा साथी ये ना समझे कि भाई मुकेश और हम में कोई फर्क है। एक एक युवा साथी से यही अपील करना चाहता हूँ, अपने आप को सब मुकेश राणा समझ करके चुनाव लड़ो। जैसे रायपुर गांव की सरदारी ने हमें आशीर्वाद रूपी जो प्यार जो आज दिया है, मैं इस प्यार का जिंदगी भर आभारी रहूँगा। मेरा परिवार और हम सब पूरा समस्त हमारे परिवार पूरा मोहल्ला इस बात के लिए जिंदगी भर आभारी रहेगा। जिस प्रकार से आपने मुझ पर विश्वास किया है, गांव की समस्त जो भी विकास की जो कमी है, मैंने देखा आज गांव में आके, मैं आता रहता हूं गांव में, सुख दुख में आता रहता हूं हमेशा, लेकिन जिस प्रकार से गांव के रोड नालियां और पानी खुले में जो घूम रहा है, जो आज युवाओं की जो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, तो परमात्मा ने और बुजुर्गों ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, लेकिन परमपिता परमात्मा और बुजुर्ग जो होते हैं, बुजुर्गों का जो आवाज़ होती है, जो नगाड़ा होता है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा होता है। परमपिता परमात्मा ने और बुजुर्गों ने और युवा साथियों के आशीर्वाद ने और सहयोग ने अगर मुझे कोई मौका दिया, तो शुरुआत में रायपुर गांव के इस मंदिर पे आके, हनुमान जी के मंदिर पे आके विकास कार्यों की शुरुआत करूँगा। मैं तो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, इन्हीं भाइयों का वो किसी कारणवश रिजर्व हो गई थी, तो इन भाइयों ने सबने मैसेज करके मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इस लायक समझा। मैं इस गाँव का सदा, मैं और मेरा परिवार आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने विस्तार से सुना, मुकेश राणा जी ने बताया कि किस तरीके से इन लोगों इनका समर्थन किया है रायपुर गांव वालों ने, वार्ड नंबर 27 के वासियों ने। विस्तार से आपने सुना और उन्होंने बताया किन किन मुद्दों पे कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है और देख सकते हैं, और हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं और जिन्होंने कीर्तन के साथ मुकेश राणा जी का स्वागत किया है, और अब इनसे बात कराने की हम कोशिश करेंगे। जी अब जुड़े रहिए, लाइव प्रोग्राम रहेगा आपके साथ। जी आइए, देख सकते हैं किस तरीके से मुकेश राणा जी आशीर्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ माताओं के से। जी देख सकते हैं। जी दादी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम थापिन थापिन है। जी जो मुकेश राणा जी खड़े हो रहे हैं पार्षद के लिए, पूरा आशीर्वाद है। हाँ, पूरा हमारा गीता के मानोगे आपके? हाँ, गीता के भैया, जहाँ हमारा खड़ा नेता जी किए गए वहीं देंगे। चलो बहुत बढ़िया, पूरा आशीर्वाद दे दिया। हाँ, पूरा दे दिया, हमारे भांजे थे तेम तो पूरा दे दिया। जी दादी कहाँ से हो? इसी गाँव से हो? हाँ, यही गाँव से। मुकेश राणा जी को आशीर्वाद दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं भैया, पूरा पूरा। जी दादी आप हाँ 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 पूरा ये आशीर्वाद है, सफल हो तैयारी काम। क्या नाम है जी आपका? नाम उर्मिला है जी। खूब मनोकामना थे, खूब आशीर्वाद है जी। और हमारे तो सब ते खूब जीत के आओ, हमारी तो ये मनोकामना रायपुर की सड़क ने बनवा दी है। जी बहुत बढ़िया, और क्या काम कराना चाहते हैं जीतते हैं तो? बिजली नहीं है जी, पानी नहीं टाइम से आता है और सड़क खराब पड़ी है। जो पुराने पार्षद हैं पहले रह चुके, उन्होंने काम कराया? कुछ भी ना करो उन्होंने। चलो आपको लगता है आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? आपके उतरेंगे जी, जब वोट बनाएंगे तो उतरेंगे। वे कहा है हमें जी दादी, क्या चल रहा
आपकी उम्मीदें पर खड़े उतरेंगे आपके मुकेश राणा जी? हाँ, हमने पहले से कह रहे, हम तो पहले से कह रहे हैं, और हमारे तो पहले नहीं है जी। मात्र शक्ति है, इन्होंने बताया है कि इन्होंने से पहले से ही ठाना हुआ है कि मुकेश राणा ही आपके पार्षद बनेंगे और इनको जिता के लाएंगे। आप देख सकते हैं जी, जी हमें कौन सी परेशानी है, यही उछरे करेंगे बुलेट पाएंगे जब हमें कौन सी परेशानी, और का रोड खराब है। और भी माताएं मौजूद हैं हमारे साथ जी, क्या नाम है? पूरा आशीर्वाद पर हमारे गिरा रहे चाहिए। अपने रास्ते बनवाने चाहते हैं, दिक्कत है बिल्कुल, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सबकी करनी पड़ेगी तो बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी। दादी क्या नाम? हां जी, कांति। पूरा आशीर्वाद है? हां खूब है जी, पूरा आशीर्वाद है। गांव पे मेहर नहीं चाहिए, हमारा आशीर्वाद है भैया जी। क्या नाम है? ये ग्रायपुर से हो? हां रायपुर से। राणा जी को आशीर्वाद दे रहे? हां आशीर्वाद दे रहे भैया। अरे बुढ़ापे की लिख रहे राजा रो, रास्ता में पानी में बिजली में ये फायदा चाहिए बुढ़ापे। आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? हाँ तो बस खड़े उतरेंगे हम तो। विस्तार से सुना, माताओं ने भी बोला है कि विस्तार से कि जो मुकेश राणा है हमारी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। और इन्होंने जो मांग की है महिलाओं ने कि गलियों की और नालियों की पानी की व्यवस्था और लाइटों की मांग की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा रायपुर गांव यहां मौजूद है, कुछ लोग चले गए हैं। मुकेश राणा जी और भी बात कर लेते जी। मुकेश राणा जी कोई अपील करना चाहते हैं लास्ट में? मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूं समस्त बुजुर्गों से, समस्त माताओं से, जो मेरी परमात्मा रूपी माता जो यहां खड़ी है, मैं तो इनका आशीर्वाद चाहता हूं अगर परमपिता परमात्मा ने। मुकेश राणा जी और भी बात कर लेते जी। मुकेश राणा जी कोई अपील करना चाहते हैं लास्ट में? मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूं समस्त बुजुर्गों से, समस्त माताओं से, जो मेरी परमात्मा रूपी माता जो यहाँ खड़ी है, मैं तो इनका आशीर्वाद चाहता हूँ अगर परमपिता परमात्मा ने आशीर्वाद मुझे इस प्रकार से दिया तो काम की कैसी कोई बात नहीं है ना। मैं इतना कमजोर हूँ, मैं पार्टी को भी ला दूंगा, MLA को भी ला दूंगा और MP को भी ला दूंगा, सब इसी गांव में लेके आऊंगा और विकास कार्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपया दिलवाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, तो विस्तार से सुना आपने। मुकेश राणा जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी विकास कार्य होंगे वो अपनी तरफ से कराएंगे, जितना भी पैसा लगेगा वो सरकार से लेके आएंगे। वार्ड नंबर 27 के लिए आपको प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करें।